मेरे पापा गोड़ टूटा है इसलिए हम बेच रहे हैं। आइसक्रीम बेचते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई करते थे, अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हो, क्यों? पापा गोड़ टूट गया, उसे घर चलाने पड़ते हैं हमको, इसलिए नहीं करते हैं। अच्छा, पापा सोच लीजिए, एक भाई 15 साल का, एक भाई 10 साल का, नाबालिग है, अभी बालिग भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही दर्द होता है देखकर, जो ये दोनों बच्चों, आप लोग बहुत सारे आइसक्रीम बेचने वाले को देखे होंगे, लेकिन हमारे पीछे अभी एक आइसक्रीम का ठेला भी देख रहे हैं और दो बच्चा भी देख रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे आइसक्रीम बेचने वाले से मिलवाऊंगी जिसे देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे, जिनके हाथों में कलम कॉपी होना चाहिए, उनके सर पर जिम्मेदारी का बोझ है, पेट का भूख ऐसा भूख होता है जिसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार है। हमारे साथ दो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जो हर दिन आइसक्रीम का ठेला लेकर चिलचिलाती धूप में लोगों के घर पे जाते हैं, आइसक्रीम बेचते हैं। जिस समय बड़े बड़े लोग अपने घर में सो रहे होते हैं, उस समय ये बाहर जाकर लोगों के दरवाजे पर जाकर घंटी बजाते हैं। सोचते हैं दो चार भी आइसक्रीम बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि इनके पिताजी आइसक्रीम नहीं बेच सकते हैं, इसलिए ये दोनों घर से बाहर निकलते हैं और चिलचिलाती धूप में बेचने के लिए जाते हैं, है ना बाबू? क्या नाम है आपका? शिवा कुमार है। कितना साल के हो? 15 साल के। अब बाबू आपका क्या नाम है? शिवांशु। शिवांशु, शिवांशु आप कितने साल के हैं? 10 साल। 10 साल के। सोच लीजिए, एक भाई 15 साल का, एक भाई 10 साल का, नाबालिग है, अभी बालिग भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत ही दर्द होता है देखकर, जो ये दोनों बच्चा इतना छोटा छोटा है, लेकिन हर दिन चिलचिलाती धूप में निकलता है, क्योंकि घर का बोझ है इनके सर पे, जिम्मेदारी है इनके सर पे। ये छोटे से एज में, जिस एज में पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उस एज में ये पढ़ाई लिखाई छोड़कर आइसक्रीम बेच रहे हैं। क्यों बेचते हो आइसक्रीम? मेरे पापा गोड़ टूटा है इसलिए हम बेच रहे हैं। आइसक्रीम बेचते हो? हाँ। पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई करते थे, अब नहीं करते हैं। अब नहीं करते हो, क्यों? पापा गोड़ टूट गया, उसे घर चलाने पड़ता है हमको, इसलिए नहीं करते हैं। अच्छा, पापा का गोड़ टूट गया इसलिए घर चलाना पड़ता है। हाँ। बाबू आप क्यों नहीं पढ़ते हो? आपके भैया हैं, ये बेच नहीं सकते हैं अकेले? ये बेच सकते हैं कि नहीं? नहीं, नहीं। क्यों? अकेले इनसे ठेला नहीं संभलता है? नहीं, धकेलना पड़ता है। हाँ। आप अकेले ठेला नहीं संभाल सकते? नहीं संभाल सकते हैं। घर में कितने लोग हैं? घर में है 4 लोग। 4 लोग हैं। पापा पहले क्या करते थे? पापा यही बेचते थे। हाँ। पापा का पैर टूट गया इसलिए आप दोनों भाई निकल गए। हाँ। घर से बाहर। हाँ। पढ़ाई भी छोड़ दिए? हाँ, पढ़ाई छोड़। कितने क्लास तक पढ़े हैं? चौथा तक। चौथा तक ही? आप? दूसरा तक। आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? आप पढ़ सकते हैं, आपके भैया कमा रहे हैं तो आप तो पढ़ सकते हैं ना। धकेलते। इनका कहना है फिर धकेलेगा कौन? अगर ये पढ़ने जाएंगे तो फिर भाई का सपोर्ट कौन करेगा, हेल्प कौन करेगा? इसलिए ये छोटा भाई मात्र 10 साल का है, इसके साथ, इसके सपोर्ट के लिए इसके पीछे पीछे आता है, ठेला को धकेलने के लिए आगे आता है। लेकिन सरकार को ध्यान कहाँ है ऐसे ऐसे बच्चे पे, ऐसे ऐसे गरीब घरों पे? सरकार तो बस जात पात में उलझी हुई है। अगर सरकार अपने ही जात का कल्याण करे तो ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता दोनों बच्चे को। जिस टाइम ये दोनों को स्कूल में होना चाहिए, उस टाइम ये सड़क पे रहते हैं, लोगों के दरवाजे पर रहते हैं, है ना बाबू? हाँ। कितना कमा लेते हो एक दिन में? 300-400 कमा लेते हैं। 300-400 घर चल जाता है उससे? हाँ, चल जाता है। बाबू ये बताइए, जो ये मतलब जाते हो बेचने के लिए, ये मन में आता है कि बाकी बच्चा पढ़ने जा रहा है, हम भी पढ़े लिखे? जी, मन करता है पढ़ने का? हाँ। अगर आप अमीर के बच्चे रहते तो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते कि नहीं? हाँ, पढ़ रहे थे। लेकिन गरीब के बच्चे हैं इसलिए ना अभी ठेला लेके निकले हुए हैं। हाँ। इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है या सरकार की गलती है, या फिर स्कूल आप नहीं जाते हैं तो फिर उसमें भी आप ही की गलती है? स्कूल जाते थे, पापा गोड़ टूट गया, हम लोग गरीब आदमी है इसलिए जाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। सबसे बड़ी बात है पेट का भूख आप कहाँ छिपाइएगा, जब पेट ही नहीं भरेगा तो शिक्षा का क्या जरूरत?
अगर जब पेट में खाना ही नहीं रहेगा, दो शाम का रोटी ही नहीं पूरा हो पाएगा, तो पढ़ के क्या फायदा हो पाएगा। चार भाई बहन हैं, इसलिए रोड पे निकले रहते हैं आइसक्रीम बेचने के लिए। सुबह शाम का खाना भी नहीं मिलता है। अगर यही इनके पापा बड़े आदमी होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता, ये भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते, ये सब का झंझट नहीं रहता। लेकिन अफसोस की बात है, जो ये गरीब हैं, इनके पास खाने को पैसा नहीं है, रहने को घर नहीं है, इसलिए इनको रोड पर निकलना पड़ता है। सरकार से बस इतना ही निवेदन है, ऐसे ऐसे लोगों को सुनिए, ऐसे ऐसे लोगों को देखिए जो असहाय हैं, जिनका कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बस निवेदन है, ऐसे ऐसे लोगों का मदद कीजिए जो गरीब हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, कमाएंगे खाएंगे, अगर ये ठेला लेकर नहीं निकलेंगे तो खा भी नहीं पाएंगे, भूखे सो जाएंगे, है ना? हाँ है, जरूर है। लेकिन टाइम निकाल कर आप स्कूल भी जा सकते हैं? जा सकते हैं तो खा नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब जाइएगा स्कूल तो खा नहीं सकेंगे? नहीं। देख लीजिए इनका दर्द, देखिए बोलते हैं अगर हम स्कूल जाएंगे तो हम खा नहीं सकेंगे। इनका कहना गलत है क्या? जब खाएंगे ही नहीं तो स्कूल कैसे जाएंगे? तो बस इतना ही निवेदन है कि ऐसे ऐसे लोगों का मदद कीजिए, साथ दीजिए, तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। ये लोग देश का भविष्य हैं, इनसे ही देश का भविष्य जुड़ा हुआ है। इनका सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए, ये आगे बढ़ेंगे। बाकी आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करना चाहती हूँ। मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। और आप ये दोनों बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं एक बार ज़रूर बताइएगा, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और अगर ये अमीर के बच्चे होते तो आज प्राइवेट स्कूल में रहते, लेकिन अमीर के बच्चे हैं नहीं, गरीब के बच्चे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।